नमस्कार दोस्तों, 10 जैक राइफल जवान जसवीर सिया निवासी ग्राम वाजीदा के काला निवासी जम्मू की सीमा पर दुश्मन से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। जवान जसवीर सिया के शहीद होने की खबर मिलते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। शहीद के पिता कुलदीप सिया ने बताया कि 10 अक्टूबर 1995 को उनके घर में इकलौते पुत्र जसवीर सिया ने जन्म लिया था। शहीद रहमत अली मेमोरियल गवर्नमेंट हाई स्कूल वाजिंद के खुर्द से मेडिकल और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखीरवाला से 12वीं करने के बाद 6 साल पहले 2016 में पटियाला में सेना में भर्ती हुए थे। वह जम्मू के राजौरी में तैनात थे। बुधवार की रात उनके साथियों का फोन आया कि जसवीर सिंह राजौरी में शहीद हो गए हैं। इस मौके पर सरपंच गुरमीत बोर और कई गणमान्य लोगों ने उनके परिवार से मिलकर दुख साझा किया। पूरे सैन्य सम्मान के साथ वीर बलिदानी का उनके पैतृक गांव में दाह संस्कार कर दिया गया। जैसे ही वीर बलिदानी का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो अमर रहे वीर बलिदानी, अमर रहे के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। पूरे सैन्य सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर के बीच वीर बलिदानी का उनके पैतृक गांव में दाह संस्कार कर दिया गया। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि वीर जवान की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। कि खुशनसीब होते हैं वो लोग जो वतन पे मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ तुम्हें सलाम ए वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में बसता तिरंगे का मान है। कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर सोने में भी सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी नई किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।